नगर पालिका सभागार में किसान नेता विनोद निर्वाल द्वारा अपने सहयोगियों के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता ने स्वास्थ्य विभाग में निरंतर चल रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को मुख्य रूप से उठाते हुए कल से सीएमओ ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता विनोद निर्वाल ने बताया कि आज उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें खाप चौधरियों और अन्य किसान भाइयों ने शिरकत की है। किसान नेता ने जनपद के स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शामली स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ द्वारा जनपद में किए जा रहे भ्रष्टाचार और तानाशाही को लेकर पिछले करीब 2-3 महीनों से स्वास्थ्य विभाग की लगातार शिकायत की जा रही है, जिसमें कांवड़ के दौरान भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि जिले के सीएमओ द्वारा जगह जगह फर्जी अस्पताल चलाकर जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शामली में कई ऐसे अस्पताल भी संचालित किए जा रहे हैं जिनमें डॉक्टर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शामली का स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत के कारण जिले के भोले भाले लोगों की जान पूरी तरह आफत में है, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिले के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कल से शुरू होने वाले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार रूपी दानव के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। इस दौरान निर्वाल खाप चौधरी, राजवीर सिंह मुंडेट, बेनीवाल खाप चौधरी, अमित बेनीवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। विरोध जी, आज प्रेस वार्ता करी है आपने नगर पालिका सभागार में, क्या मामला है? स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो सीएमओ शामली है, इसके भ्रष्टाचार और तानाशाही को लेकर पिछले हम 2-3 महीनों से लगातार लिख के दे रहे स्वास्थ्य विभाग में, किसी को क्या मिलते हैं। कांवड़ के दौरान हमने एक धरना किया, जब ये नहीं माने, अब इतना बुरा हाल स्वास्थ्य विभाग ने करते हैं यहाँ पर। सीएमओ भी अवैध वसूलियों को लेकर अपना उद्योग धंधे न चला दिए, शामली जनता के साथ मौत का खिलवाड़ हो रहा। फर्जी डॉक्टर यहाँ पर पाई जा रहे, फर्जी नर्सिंग होम यहाँ पर चला रहे, बाहर से फर्जी डॉक्टर बुला के यहाँ पे नर्सिंग होम संचालित सीएमओ साहब करवा रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो कल आपका धरना है, क्या है उसमें? धरना कहाँ, बड़ी किसान वहाँ पंचायत है। अच्छा भाई, जो प्रशासन नहीं सुन रहा, सीएमओ का कोई नहीं सुन रहा, कोई अधिकारी तो भाई मेरे तो ये बड़े छोटे जो हैं काम के चौधरी हैं, खाप के चौधरी हैं, किसान हैं, यहाँ के पैसा चलेंगे। अनिश्चितकालीन बताया जा रहा है कि अनिश्चितकालीन। अच्छा, अनिश्चितकालीन में क्या है मांगे आपकी? हमारी मांग ये है, आपको मांग पत्र दे दिया, हमारी मांग है जो डॉक्टर एच पी सिंह फर्जी पाया गया था, जिसके 3 हॉस्पिटल संचालित है और उसमें अजय शर्मा जो सीएमओ बागपत का बाबू है वो इन्हें संचालित कर रहा था, शकुंतला हॉस्पिटल कहराना, नवजीवन, जीवन रक्षा और अनुभव, ये हॉस्पिटल पे इन्होंने फैसला की। बात पर सीएमओ ने एस पी सी के खिलाफ बढ़ोतरी को फैसला की, मुझे बुला के बैठाया और उसने फैसला करना मेरे एप्लीकेशन पर। यहाँ पे 2 महीने हो गए, अब तो अपने यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, ले तो अपने गुना बाद में लग गए। तो अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक कोरोना काल में यहाँ पे घोटाले हुए। अब क्या यहाँ पे प्राइवेट अकाउंटेंट इन्होंने रख रखा, एक विपिन गुप्ता है। अब जब से मैं धरने का मामला उठाया, मेरी जान से मारने की धमकी मुझे मिलने लगी और गालियाँ मुझे दे रहे, दबाव मेरे पर बनाया जा रहा, तो धरना होगा। अच्छा, आप जैसे इसमें मामले लगे हुए हैं, एक दिन का आपने धरना भी दिया, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, किसके लापरवाही? कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक कार्रवाई हुई, डॉक्टर एच पी सिंह की पोल डिटेल निकलवा लो। डॉक्टर एच पी सिंह ने जिस अधिकारियों से सीएमओ की बात करी, उन्होंने अपना गुना भाग बता ली। मेरा क्या मानते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? भाई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि शामली का किसान भोला भाला है, सीधा है, शामली की जनता भोली भाली सीधी है। अगर शामली की जनता को ये बात करेगी, दवाई रात 3 बजे उठ के लेनी